This is a copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976. This video is about criticism about one individual. कौन है हम? क्या हम सिर्फ वैसे हैं? कभी हम इस दुनिया से परे होंगे, ज्यादा ताकतवर बन? प्लीज गाना बदल देंगे? गाना खत्म होने दो बेटा, जब तुम गाड़ी चलाने लगोगे तब जो चाहे गाना सर। मैंने नहीं किया जीन, क्या ये तुमने किया जीन? ये तुम कैसे बताएं? हेलो, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो अब मेरा क्या होगा? जो तुम्हारे जैसे हैं, स्पेशल स्पेशल, पर कभी कभी ये उन तुम्हें एक तोहफा मिला है जीन। ओके, ये असल में, अब अगर तुम चाहो तो इससे एक खूबसूरत तस्वीर बना दी, बस एक तोहफा। चाहती हो तो मैं मदद कर सकूं, और ना ही तुम दूसरे पेशेंट्स जैसे। ओके, पर क्यों? अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी, मतलब कुछ भी, तो मैं छोड़ दूंगा। क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? नहीं, टूटी नहीं हो। इंजन गर्म हो रहे हैं। मैम, मुझे 7-6 पर कुछ दिख रहा है। एस्ट्रोनॉट्स को बचाएंगे और घर वापस आएंगे। कोई सवाल? हाँ, क्या एक्सेट इतना ऊपर जा पाएगा? देखो, असल में जरूर जाएगा। मैं भूल जाती हूँ कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो। तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम फौरन वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ। एक्समैन से मदद मांगी है। लगता है उसकी वजह से उनके स्पेसशिप की बिजली खत्म हो गई है। फिलहाल वो कंट्रोल दिशा बहुत तेज घूम रहा है, मुझे खिड़की नजर नहीं आ रही। स्कॉट, उस थ्रस्टर को शूट। कर्ट, पीटर को वहां ले जाओ। मर गए यार। और छोड़कर नहीं जाएंगे। और जोखिम में नहीं डाल सकती मैं अपनी टीम को और उनकी। मैं शिप बचा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं। उसके लिए मुझे अंदर जाना होगा। गिनती शुरू। अब 20 सेकंड बचे हैं। 10,
आज एक्समैन ने बहादुरी का एक बेहतरीन कारनामा भेजा है और दिल से शुक्रिया कहा है। और अपनी कहूँ तो मैंने कभी नहीं होगी आज छुट्टी। काफी अच्छा लग रहा है। थैंक। तुम जरा जीन को चेक कर। संदेश भेजना पड़ता, वो मर सकती थी। पर मरी तो नहीं, असली तो नहीं था। वो लोग बच्चे नहीं रह रहे बन। और मुझे और किस लिए? प्लीज कहीं ये तुम्हारा ईगो तो नहीं है? वैसे सच कहूँ तो अच्छा लगता है, ये तो चाहते थे हम। क्या चाहते थे तो कर रहे हैं हम, एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अमन बनाए रखने मानना पड़ेगा, मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं है। बाबा क्यों कहीं तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो? हाँ दोस्तों, पर मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कतवर हो गया है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। उसे गलत दिशा में ले जा सकती है जान, एक तरह की दीवारें उसे अपने साथ। मुझे लगता है अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने उसे कुछ। बस करो। ये आवाज कैसी है? वो जाग रही है। मैं चाहता हूं तुम शांत रहो और बस मेरी आवाज पर ध्यान। मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम बस आवाजें सुन रही हो जी, तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए। और बढ़ा दो। नहीं, ये पहले ही बहुत। चार्ल्स, जब हम बाहर थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बेहोश हो गई। कुछ ठीक नहीं है। ये क्या एक्सीडेंट था पता? पर तुम्हारे डैड तो मैंने प्लीज, मुझे अचानक कुछ हो जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाती। जानते हो
अंदर और बाहर आ रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। रे जी नहीं है, वो चली गई। कहाँ गई? डैड से मिलने जा रही है। पर ये कैसे हो सकता है? रोकना होगा, वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। नौचा दौड़ना बुक, नौचा दौड़ना, ताकत समा चुकी है। इस आदिम मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू कर लूं। कहां है वो? सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। तुम्हारे आप फिक्र मत कीजिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। कभी नहीं ढूंढा जीन। क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? आग पढ़ सकती हूँ मैं, इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल, मैं आप नहीं मानूंगी। स्कॉट, प्लीज वापस आ जाओ। दूर हो रही है जीन, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, तुम नहीं समझ। मेरे अपनों की जान जाती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन, परिवार यही तो करता है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते। सब जंग लड़ रहे हैं, अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते, वो मरी नहीं है। जिन्ने से मार डाला कर रही है, जीन से कंट्रोल नहीं हुआ और घर ला सकते हैं। उसने रेवन को मार दिया, शायद तुम ये नहीं मानना चाहते ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो, मैं रेवन की लड़की थी, जो यहां मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। चार्ल्स,
मदद के लिए किया। मैं जो करता हूँ सबकी मदद के लिए। तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे। प्लीज मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। उम्मीद है कि अपनी मैं छोटे वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। देखिए हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। क्या हो रहा है? हमें अकेला छोड़ दो। आप बताएंगे आप लोग कौन हैं? चल जाएंगे। मैं सबके लिए बहुत। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जीन असल में कौन है। बेहतर होगा कि माफ कीजिए मिस्टर ग्रे, पर मुझे उसके बारे में सब कुछ सोचा था। बातचीत करके हम मसले का हल निकाल लेंगे। सवाल का जवाब दो। बुरा मत मानना, उन्हें बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। किसका खून है ये? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। आ, काफी पुरानी बात है पर ये सच है। हाँ इसलिए मैंने लोगों को चोट पहुंचाई, लेकिन दर्द नहीं किया। इतना तेज कैसे रुकूं जब मैं काबू खो देती हूं? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता। हाँ तो तुम गुस्सा करो। दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होता जब तुम गुस्सा होती हो? जब उसने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया था, हम तक खबरें नहीं पहुंचती हैं, कैप्टन। ये मैं नहीं कर रहा। ये मैं कर रही हूं। रक्षा ही कर रहा हूं। नागरिकों के लिए एक खतरा मानी गई है। जीन ग्रे की घटनाओं के तुरंत बाद हो मैं चार्ल्स एक्सेवियर बोल रहा हूं। मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। दिल किया है उसे खारिज करने की जरूरत नहीं है। आपको हमें एक मौका तो अगर तुम कुछ भी तोड़ोगे मतलब राष्ट्रीय तलाश जारी है। अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए। तुम्हारे पास अच्छी महिलाओं के लिए सफल होना देखो हेलो तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक डरपोक लड़की जो कुर्सी पर बैठे उस शख्स का हुक्म मानती है। जानती मैं कौन हूँ? बखूबी जानती हूँ। यह होगी तुम्हारी अंदरूनी ताकत। कहे सभी लफ्ज जो बहुत पहले भी और तुम समझती हो। क्लास में नहीं है क्या? हैंग क्लास में नहीं है क्या?
बाकी के सब कहाँ है? मैं अकेला आया हूँ। तो यानी? हाँ मैं जानता हूँ। फिर यहाँ? मुझे उसे ढूंढकर क्या मिलेगा? मेरे लिए ना सही। अगर तुम्हारी ताकत से कोई डरता है तब के खैर नशो। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती हूं नहीं थी और वो कोई एक्सीडेंट भी नहीं था। वो तुम्हारी हमने उसे तुम्हें अंतरिक्ष में ले जाते देखा। मैं दुनिया में जान डाली और इसी चिंगारी ने मेरी दुनिया भूमि करने की पूरी कोशिश की। पर जो भी उसके संपर्क में आया तुमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। तुम वो कंट्रोल कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर है। उस शब्द को जीवन में यही तुम्हारी नियति है। मैंने कहा था वो तुम्हें कभी नहीं समझ सके। जानता हूं हमारे ख्यालात। सभी को जो उनके रास्ते में आएंगे कट स्कॉटर में जाएंगे जीन के लिए लड़ेंगे बिना तुम्हारे। स्टॉर्म हमें तुम्हारी जरूरत है। तमाशा किया हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है और कुछ अगर लड़की तो मरेगी। कर्ट मुझे अंदर ले चलाओ। और अब
हम तुम्हारा नया परिवार बन सकते हैं। मैं उसकी नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी उम्मीद बाकी है। इसने जो दिखाया वो तुम्हारा अतीत था। ब्रह्मांड ने जो तुम्हें तोहफा दिया है, प्लीज आजाद कर दो मुझे। मैं इसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। सांसें चल रही है, स्कॉट फॉरन इसे बाहर ले जाओ। तुम्हें करना होगा। Thank you.
सुकून है कि तुम्हारी हिफाजत करूं, तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता था। परिवार की रक्षा। मैं जानती हूं मैं कौन हूं। मैं अब इस दुनिया से परे हूं। क्या कर रहे हो एरिक? आज नहीं, शुक्रिया। अभी मैं भी तुम्हारे लिए यही करना चाहूंगा। वक्त की आदत तुम पे रहम करो। तो अब मेरा क्या होगा? जो तुम्हारे जैसे हैं, स्पेशल। स्पेशल। पर कभी कभी ये उन तुम्हें एक तोहफा मिला है जीन। ओके। ये असल में अब अगर तुम चाहो तो इसे एक खूबसूरत तस्वीर बना दी। बस एक तोहफा चाहती हो तो
मैं मदद कर सकूं और ना ही तुम दूसरे पेशेंट्स जैसे। ओके, पर क्यों? अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी, मतलब कुछ भी, तो मैं जोड़ दूंगा। क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? नहीं, टूटी नहीं हो। एस्ट्रोनॉट्स को बचाएंगे और घर वापस आएंगे। कोई सवाल? हाँ, क्या एक्सिट इतना ऊपर जा पाएगा? देखो असल में जरूर जाएगा, भी मैं भूल जाती हूँ कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो। तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम फौरन वापस आ जाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ। वजह से उनके स्पेसशिप की बिजली खत्म हो गई है। फिलहाल वो कंट्रोल दिशा बहुत तेज घूम रहा है, मुझे खिड़की नजर नहीं आ रही। स्कॉट, उस थ्रस्टर को शूट। कर्ट, पीटर को वहां ले जाओ। मर गए यार। और छोड़कर नहीं जाएंगे। और जोखिम में नहीं डाल सकती मैं अपनी टीम को। और उनकी मैं शिप बचा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं। उसके लिए मुझे अंदर जाना होगा। गिनती शुरू। अब 20 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8 एक्समैन ने बहादुरी का एक बेहतरीन कारनामा भेजा है और दिल से शुक्रिया कहा है। और अपनी कहूं तो मैंने कभी आई नहीं होगी आज छुट्टी। काफी अच्छा लग रहा है। तुम जरा जीन को चेक कर। संदेश भेजना पड़ता, वो मर सकती थी। पर मरी तो नहीं ना। पर असली तो नहीं था। वो लोग बच्चे नहीं रहे रेवन। और मुझे और किस लिए? प्लीज कहीं ये तुम्हारा ईगो तो नहीं। वैसे सच कहूं तो अच्छा लगता है, यही तो चाहते थे हम। क्या चाहते थे तो कर रहे हैं हम। एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बनाए रखने मानना पड़ेगा। मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं दिया जाए। दिल की धड़कन ठीक। क्या ठीक नहीं है? अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने तुम्हें मतलब क्या है?
ये तो काफी बेहतर सच में। ठीक है बाबा, क्यों कहीं तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो। हाँ कोई नहीं था, जानते हो कहाँ है वो?
कहिए। मैंने सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। तुम्हारे आप फिक्र मत कीजिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझे कभी नहीं ढूंढा जीन। क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? पक पड़ सकती हूँ। मैं इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। आपने झूठ कहा कि मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल। मैं आप नहीं मानूंगी। मिस स्कॉट, प्लीज वापस आ जाओ। साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, तो नहीं समझ। मेरे अपनों की जान जाती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन, परिवार यही तो करता है। हम एक दूसरे का ख्याल रखें। सब जंग लड़ रहे हैं, अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते, वो मरी नहीं है। जिन्नों से मार डाला रही है। जीन से कंट्रोल नहीं हुआ और घर ला सकते हैं। उसने रेवन को मार दिया। शायद तुम ये नहीं मानना चाहते, ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो, मैं रेवन की लड़की थी जो यहां। मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। तुम्हारी गलती है कि वो मर गए। क्यों मदद के लिए किया? मैं जो करता हूँ सबकी मदद से लेना। तो तुम्हें अपनी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे। प्लीज, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। उम्मीद है कि अपनी मैं छोटे वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। देखिए, हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। क्या हो रहा है? ठीक है तो थैंक।
हाँ बाबा, क्यों कहे? तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो? हाँ जानते हो दोस्तों, पर मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कतवर हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। जान, एक तरह की दीवारें उसे अपने साथ। मुझे लगता है अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने उसे कुछ। बस करो। पेशावर, ये आवाज कैसी है? वो जाग रही है। मैं चाहता हूं तुम शांत रहो और बस मेरी आवाज पर ध्यान। जीन, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम बस आवाजें सुन रही हो। जी, तुम्हारे दिमाग को आराम और बढ़ा दो। नहीं, ये पहले ही बहुत। जब हम बाहर थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बेहोश हो गई। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। एक एक्सीडेंट था पता, पर तुम्हारे डैड तो मैंने प्लीज, मुझे अचानक कुछ हो जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाती। जानते हो उसके अंदर और बाहर आ रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। जी नहीं है, वो चली गई। कहाँ गई? डैड से मिलने जा रही है। पर ये कैसे हो सकता है? रोकना होगा, वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। नौचा दौड़ना बुक, नौचा डरना, ताकत समा चुकी है। इस आदिम मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू कर लूं। कहां है वो? कहिए।
छुपा कर। मैंने सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। तुम्हारे आप फिक्र मत कीजिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कभी नहीं ढूंढा जीन। क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? अब पढ़ सकती हूँ मैं, इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल, मैं आप नहीं मानूंगी। स्कॉट, प्लीज वापस आ जाओ। हो रही है जीन, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम नहीं समझ, मेरे अपनों की जान जाती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन, परिवार यही तो करता है, हम एक दूसरे का ख्याल रख। सब जंग लड़ रहे हैं, अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते, वो मरी नहीं है। जिन ने उसे मार डाला कर रही है, जीन से कंट्रोल नहीं हुआ और घर ला सकते हैं। उसने रेवन को मार दिया, शायद तुम ये नहीं मानना चाहते ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो, मैं रेवन की लड़की थी जो यहां, मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। चार्ल्स, तुम्हारी गलती है कि वो मर गए। की मदद के लिए किया, मैं जो करता हूँ सबकी मदद से। रहने दो, तुम्हें अपनी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे। प्लीज, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। उम्मीद है कि अपनी मैं छोटे वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। देखिए, हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। क्या हो रहा है? मैं अकेला छोड़ दूंगा। आप बताएंगे आप लोग कौन हैं? सच आएगी, मैं सबके लिए माफ। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जीन असल में कौन है। बेहतर होगा कि माफ कीजिए मिस्टर ग्रे, पर
मुझे उसके बारे में सब कुछ सोचा था, बातचीत करके हम मसले का हल निकाल लेंगे। सवाल का जवाब दो। बुरा मत मानना, उन्हें बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। किसका खून है ये? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, काफी पुरानी बात है। पर ये सच है? हाँ, उन्हें खो दिया, इसलिए मैंने लोगों को चोट पहुंचाई। लेकिन दर्द नहीं किया इतना? कैसे रोकूं? जब मैं काबू खो देती हूं, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम गुस्सा करो, दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होता जब तुम गुस्सा होती हो? तुम्हारे लिए नहीं, एक एक्समैन के लिए आए हैं। बिना बताए और बिना बुलाए तुम्हारे घर आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? शक नहीं चाहते तो सामने से हटो। हमारे हैं जिसने वो अधिकार खो दिया जब उसने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया था। हम तक खबरें नहीं पहुंचती हैं कैप्टन। ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं कर रही हूँ। सुना था तुम म्यूटेंट्स की रक्षा करते हो। मैं उनकी रक्षा ही कर रहा हूं। नागरिकों के लिए एक खतरा मानी गई है। जीन ग्रे की घटनाओं के तुरंत बाद मैं चार्ल्स एक्सेवियर बोल रहा हूं, मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। दिल किया है उसे खारिज करने की जरूरत नहीं है। आपको हमें एक मौका तो अगर तुम कुछ भी तोड़ोगे मतलब अंतर्राष्ट्रीय तलाश जारी है। अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए। तुम्हारे पास अच्छी महिलाओं के लिए संभल होना। हेलो, तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक डरपोक लड़की जो कुर्सी पर बैठे उस शख्स का हुक्म मानती है। जानती मैं कौन हूँ? बखूबी जानती हूँ। यह होगी तुम्हारी अंदरूनी ताकत, कहे सभी लफ्ज जो बहुत पहले मैं और तुम समझती हो। क्लास में नहीं है। क्या हैंग क्लास में नहीं है? बाकी के सब कहाँ है? मैं अकेला आया हूँ। तो या नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ। फिर यहाँ मुझे उसे ढूंढकर क्या मिलेगा? मेरे लिए ना सही। यहाँ अगर तुम्हारी ताकत से कोई डरता है तफके खैर नशो। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ। नहीं थी,
और वो कोई एक्सीडेंट भी नहीं था, वो तुम्हारी, हमने उसे तुम्हें अंतरिक्ष में ले जाते देखा, दुनिया में जान डाली और इसी चिंगारी ने मेरी दुनिया में करने की पूरी कोशिश की, पर जो भी उसके संपर्क में आया तुमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। तुम वो कंट्रोल कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर है, उस शब्द को जीवन में, यही तुम्हारी नियति है। मैंने कहा था वो तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं हमारे ख्यालात। सभी को जो उनके रास्ते में आएंगे, कट, स्कॉट और मैं जाएंगे, जीन के लिए लड़ेंगे बिना तुम्हारे। स्टॉर्म, हमें तुम्हारी जरूरत है।